अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेसन है लॉन्ग ए एस ई आई एंड ई आई जी एच, यानी कि जब ई और आई इकट्ठा आए या ई आई और जी एच इकट्ठा आए तो वो लॉन्ग ए की आवाज़ देता है। लॉन्ग ए की आवाज़ क्या होती है? जो ए का नाम है यानी कि ए, यानी ई आई अगर आए तो हम उसकी जगह ए बोलेंगे, और ई आई जी एच भी वर्ड्स में आए तो उसकी जगह ए बोलेंगे। तो कुछ वर्ड्स कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि पहले हमारा वर्ड है आर ई आई एन। अब यहाँ पे ई और आई इकट्ठा आ रहा है, ठीक है, तो र एन क्या बोलेंगे इसको, र एन रेन। अब ई आई जी एच आया हुआ इकट्ठा, तो हमें पता है ई आई जी एच किसकी आवाज़ देगा, लॉन्ग ए की। हम क्या बोलेंगे, डब्ल्यू की आवाज़ होती है व, व ए वे, व ए वे। नेक्स्ट में है व एन वेन। अब ई आई जी एच यहाँ पे शुरू में आया हुआ है, तो उसकी जगह हम बोलेंगे ए और उसके बाद टी है, ए और ट, एट एट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टी एच की आवाज़ होती है द, द एयर देयर, द एयर देयर। जब एंड पे आर आ जाए ना तो उसकी अर सी आवाज़ आती है, सर र नहीं होती, द एयर देयर। लास्ट वर्ड है हमारे पास एस की साउंड होती है स, एल की होती है ल, और ई आई जी एच की जगह हम बोलेंगे ए, तो स ल ए स्ले, ठीक है। तो ये थे कुछ वर्ड्स हमारे पास जहाँ पे ई आई और ई आई जी एच जो है वो लॉन्ग ए की आवाज़ देते हैं। तो जो मैंने बुक कंपाइल की है फोनिक्स में, कि फोनिक्स की, उसमें इस ग्रुप के सारे वर्ड्स मौजूद हैं, जैसे कि ये हमारा लेसन है बुक में लॉन्ग ए एस ई आई एंड ई आई जी एच। तो इसमें और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं और सात साइड वर्ड भी इसका दिया हुआ है। तो इन केस आपको ये बुक चाहिए या बुक ऑर्डर करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप मैसेज करके अपनी बुक ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट लेसन में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।